हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वेलकम बैक। कुछ दिनों रात वक्त हुआ है मुखबरनामे का, चलते हैं बंगाली बाबा की तरफ। शोम शड़क पड़क पड़क पड़क, हर दफा यही। आप साहब साहब गल ये है भी ऐद की मैं जाती तौर पे खुद परेशान। ऐसा क्या हुआ है कि जिसने बाबे को परेशान कर दिया हो? कारोबार कर बैठा मैं, कह इधर नाल को बंदे नु साइड बिजनेस चाहिए, यानी कि ऑफशोर बिजनेस। अच्छा, ऑफशोर जी। तीन चार बिजनेस कीते सारे दा बेड़ा गर्क हो। आप नेक कमाई से क्यों नहीं करते? रिस्के हराम जो है वो तो फिर बेड़ा गर्क ही करता है। अच्छा, किसी और बंदे नाल गल कर लईए, क्योंकि इन्होंने गल टुरन नहीं देनी तेरी। अच्छा जी, मिठिया की रेड़ी ला ली बाबा जी ने। मिठिया की रेड़ी जी। ये ऑफशोर कैसे हो गया जनाब? मल्ले बाहर कीता ना किसी और मल्ले च, साढ़े लिए ऑफशोर ही है। अच्छा, मिठिया की रेड़ी ला ली बाबा जी ने। अच्छा, सारा ही घाटा पै गया। कैसे घाटा क्यों पड़ गया? इन्हें जनाब सारे मिठे कट के ना बर्फ ते लाते। काट के? हां जी। इस अन्नी दिन पता नहीं सी कि थोड़ी देर बाद एक कौड़े हो जाने। गाहक ने आके पूछे बाबा जी मिठे ने? इन्हें खैर चेक करके वेख शरीनी ने, यानी मीठे शरीर शहर। फिर उन्हें चेक किया तो 900 मुंह बने ने। मैं समझा बाबे नु छेड़ रहे है, चंगा भला सेहतमंद बंदा हट्टा कट्टा। अच्छा, जेड़ा उदा आखरी मुंह बने ना, जिवे गवर्नर सिंध नहीं है, दवाई पीने वाली जमजीर का उसी गुल्लू भट्ट। गुल्लू भट्ट यानी उसका कोई आदमी था? नहीं, वो आप सी। और जब पुलिस का डंडा लाके नहीं फिरता, रिक्शा का सार्जेंट। बेड़ा गर्क हुआ जी उस कारोबार का। अच्छा, फिर मैं बाबे ने कहा, मैं कहा बाबा जी सन लोहे का कारोबार रहा सेगा। अच्छा, असि पहले कीता होया। अच्छा, बाबे ने एक मंगूड़ा लिया जी। ठीक, मेले से नहीं आंदा बच्चे बह रहे, मालिक आप लम के थले आंदा है। वो बाबे ने ले लिया। अच्छा, लो जी पंगूड़ा मेले च असी लाता। ठीक, बच्चे बह गए, चंगा भला सारा दिन पंगूड़ा चलता है। अच्छा, बाबे ने कहा मैं दसा के मालिक मैं हां। अच्छा, ये चढ़े ये डोली दे नाल थले आया है, बाबा तो थले आ गया। अच्छा, पंगूड़ा रुके ना, पंगूड़ा चार दिन चलता रहा। बच्चों के मां प्यो बाबे की जान नूं रोल के रुकना किवें? उहदे दो खुसरे बैठे उन्होंने शेवां निकल आईयां। वह मावां भैणां की गालां कढ़ियां। किसने? पंगूड़े ने। अच्छा जी, वधिया गल इह कि पुछो रुकिया किवें हो? कैसे कैसे रुका? लोकी घरों बिस्तरे लै आए, मंजे लै आए, हांडियां का समान लै आए, बाबे नूं दरख्त नाल बन्न दिता। उत्थे लगदा सी बाबे की सर्कस नहीं, बाबे का उर्स है। इन्नी दुनिया कट्ठी हुई, वह तो उत्थे अल्लाह अल्लाह करके उन्हें अमीर मुकाम नूं सद्या। पंगूड़े ने अमीर मुकाम नूं वेख्या, होर तेज हो गया। उत्थे नवाज शरीफ आ गया। कौन? नवाज शरीफ आ गया, मियां नवाज शरीफ। होर वह बड़ा है। उन्हें उच्ची आवाज से आख्या, लो जी मैं पनामा लीक च बरी हो गया। पंगूड़े ने वेख के क्या है, अल्लाह करके उसे जान छुट्टी। फिर बाबा जी ने मैं क्या वो काम करिए जिद इज्जत भी है। ठीक, फिर बाबा जी ने मौत का कूह बना लिया। चार खुसरे रखे तगड़े। अच्छा, जे सारा दिन नचते रहन। मैं अंदर मोटरसाइकिल चलाता सी, अल्लाह नु मेला जिले बख्या, खुसरे बीमार हो गए। अच्छा, खुसरे बीमार हो गया, दुनिया उत्ते चढ़ी मौत के खूह दे। क्यों? टिकटा लईया उन्होंने। अच्छा, बाबे ने मैंने पूछा हुण की करिए, मैं कहा बन खुसरा। क्या बना? खुसरा। बाबे ने बनी गगरी ते मारी छाल, सारा मौत का खूह विच। क्यों? वो फट्टा पाट गया सी ते बाबे ने छाल मारी। इस तरह साडे बेड़े गर्क। एक वो कारोबार दसा तुहानूं। नहीं यार ना, प्लीज, कोई मुखबरी है तो थोड़ा टाइम बहुत थोड़ा। शूम शड़क पड़क पड़क पड़क, आज बाबा ऐसी दिलचस्प मुखबरियां देगा बच्चा। दो यार, हम तो कह रहे हैं अरसा हो गया मुखबरी नहीं सुनी। अच्छा, आराम नाल को तड़ी शड़ी ये वो इनी बाबे ने सानी। अच्छा जी, अच्छा मैं आराम से ना। आराम जी से। बाबा जी बताइए क्या है आपके पास? ऐ लेजा रखना मेरे ना। जी बाबा जी बताइए क्या है आपके पास? अच्छा, ये भी मैंने जोगत लग रही है। जी बाबा जी, दो बच्चा गौर से सुनो, नैब ने प्ली बार्गेन करने वाले 550 करप्ट अफसरों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को थमा दी है। ये हम वैसे दे चुके हैं कुछ अरसा पहले, इससे मिलती जुलती मुखबरी। उदो सिर्फ इन्हों का जिक्र होया सी, लिस्ट नहीं आई सी उदो। अच्छा जनाब, लिस्ट आ गई फिर? वाह वाह वाह, एडी वाह वाली गल नहीं, अगो हजे मुखबरी आनी है। हाँ जी, वो क्या है? इन करप्ट अफसरों ने अपने दो पेटी भाइयों को अपने साथ मिला लिया
तो उससे क्या होता है? उससे फर्क ये पड़ता है कि वो दोनों अफसर सुप्रीम कोर्ट में तैनात है। तो उन्हें क्या कहा गया? उन्हें ये कहा गया है कि इस लिस्ट की भिनक मीडिया के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर? बस फिर की कोई थोड़े तक पहुंची भिनक? नहीं, हम तक तो बाकी कोई भिनक नहीं पहुंची। यार देखो क्या अंधेर नगरी है कि मीडिया के इस दौर में भी कैसे मीडिया को खबर से दूर किया जा सकता है। ये वैसे कमाल है। कमाल एक होर भी है, वो दसवीं है। वो तेरे प्यो का मुलाजम नहीं हूं, दसवीं दे। जी बाबा जी, हुकूमत ने तमाम सरकारी इदारों के सरबराहान को कह दिया है कि अगर कोई खुफिया इदारा आपसे कोई तहकीकात करे, कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो उसे कहें कि कायदे के मुताबिक आओ। सीधा ना, एक खाला जी का वाड़ा नहीं। सर वो कायदा केड़ा होया? कायदे के मुताबिक का मतलब है टू गो बाय द बुक, कि जो तरीका कार वजा कर दिया गया है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जनाब हमें बताएं कि ये क्या हुआ है। आप लिखेंगे चिट्ठी फला इदारे को, वो भेजेगा नीचे, नीचे से फिर जाएगी इस तरफ से जाएगी उस तरफ, तो टॉप डी के पास जाकर फाउल हो जाएगा। इस तरह मामला रफा दफा हो जाएगा। यानी ये फाइलन नाल हॉकी खेलने वाली गल, बस वही हिसाब है। खज्जल खुआरी, मामले को खटाई में डालना, इसी को तो कहते हैं। आप तातुल का शिकार कर दें, डिले कर दें। अगर आप देखें तो पनामा वाला इशू भी इसी तातुल का शिकार है। शूम शड़क प्रक प्रक प्रक। एफआईए की हाउसिंग सोसाइटी में बच्चा 80 करोड़ रुपए के घपले सामने आ गए हैं। ओए होए, उस हाउसिंग सोसाइटी में एफआईए का स्पेशल यूनिट जो तहकीकात कर रहा था उसे काम करने से रोक दिया गया है, क्योंकि एफआईए के चंद सीनियर अफसरान खुद इसमें शामिल है बच्चा। व्हाट अ पिटी। अच्छा जी, और ओ ख्वाजा आसिफ अली भी दस दे। ओयो ते अमी मामूली जी खबर है। बताओ बताओ बताओ, मामूली बताओ। शूम शड़क पड़क पड़क पड़क। तब ख्वाजा आसिफ नु पता लग जाए, दसन लगा ख्वाजा आसिफ से वजारत दिफा का कलमदान लेकर जायद हामिद को दिया जा रहा है। ठीक, आगे। बस ये हुई मुखबरी होर की, मैं कलमदान उन फटा के आवा। यार इसमें मुखबरी क्या बात? यही है ना, जो सिर्फ ख्वाजा साहब ने सिविला कीता है। नहीं तो उनके पास ऑलरेडी पानी और बिजली है। बस फिर वो पानी बिजली रह जानी है, दिफा खुश जाना है। ये कोई खबर क्या थी? सानू माफ कर दियो, साडे को गलती हो गई है, असी कान फाड़ लेंगे। बाबा जी को बड़ी सेंसेशनल किस्म की कोई तगड़ी मुखबरी नहीं दी आपने। लो जी एक और सुन लो। जी, हुकूमत ने न्यूज लीक वाला मामला छुपाने की बहुत कोशिश की है। उसने कभी किसी बकरे की कुर्बानी दे दी, कभी किसी छतरे की कुर्बानी दे दी। अच्छा, जब कुछ ना बना बच्चा तो चलाकी करते हुए एक फुसफुसा सा कमीशन बना दिया। वाकई कमीशन तो बिल्कुल फुसफुसा और बेतुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कमीशन को वो लोग मानेंगे जो इससे डायरेक्टली कंसर्न है? नहीं सर, क्या तक नहीं मानेंगे, बेफिक्र है। अच्छा, नाल मानसा सा शेर भी आया, उन्हें टेंड कराई। जी, ये कमीशन बड़े मुलजम को बार बार बुलाएगा लेकिन वो नहीं आएगा। एटमा ना कर लगता है, मजनू कीड़ियां लड़ दिया पई हैं। अच्छा जी, बार बार बुलाएगा लेकिन ये नहीं आएगा। जी हाँ। क्यों? इसलिए कि वो बरूने मुल्क फरार करा दिया गया है। नहीं, तुम कैसे कह सकते हो कि वो फरार हो गया है? तो बाहर ना, जे ना आया तो फरार है, जे आ गया तो बेड़ा पार है। वाह वाह वाह, आई तेज रदीव काफिया मिला रहे हैं, सागर सदीकी दा साला। बस तन विना ते कदी गुस्सा नहीं आंदा। आंदा है, अगर जिले गलत गल करते हैं गुस्सा आंदा है। केड़ी गलत गल की थी? हां ओ दस बाबा, केड़ी तेरे गलत गल? ओए मेरे नाल ऊंची आवाज इस गल ना कर, ओथे के मारांगे। जेड़ा प्यो दा पुत्र ते आ फिर, ओ तगड़ा रही ओए। ओए व्हाट्सएप, ओ व्हाट्सएप किथे चले हो? अच्छा बाबा जी, मैं तुम दस्या नहीं, मेरी फूफी बाहर इंतजार कर रही है। रुको अब रुको, तो मेरा बड़ा मसला बन गया बाबा। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। यही कर लो, यही कर लो। चंगा भला सेहतमंद बंदा हट्टा कट्टा, अच्छा जेड़ा उदा आखिरी मुंह बने ना, जिम्मे गवर्नर सिंध नहीं है, दवाई पीने वाली जमजीर का उसी गुल्लू भट्ट। गुल्लू भट्ट यानी उसका कोई आदमी था? नहीं, वो आप सी। और जब पुलिस का डंडा लाके नहीं फिरता, रिक्शा का सार्जेंट। बेड़ा गर्क हुआ जी उस कारोबार का। अच्छा, फिर मैं बाबे ने कहा, मैं कहा बाबा जी सन लोहे का कारोबार रहा सेगा। अच्छा, असी पहले कीता होया। अच्छा,
बाबे ने एक मकूड़ा लिया जी। ठीक है, मेले से नहीं आता, बच्चे बैठे मालिक आप लम के थले आंदा है। वो बाबे ने ले लिया। अच्छा लो जी पंगूड़ा।